आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जीपे में बैंक अकाउंट रिलेटेड जितना भी सारा प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जीपे सर्च कर लेना है। जीपे सर्च करने के बाद जीपे अपडेट है कि नहीं ये आपको देखना है। आपका जीपे ऐप्स अपडेट नहीं है तो जरूर अपडेट कर लीजिए, बट हमारा जो अकाउंट है अपडेटेड है। तो मैं अब क्या करूंगा, इधर से ओपन कर लेता हूं। जीपे जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के टाइम पे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको इधर प्रोफाइल का लोगो दिखाई देते हैं। प्रोफाइल का लोगो के आप ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो आपको दिखाएगा एड न्यू बैंक अकाउंट। तो एड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप एड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तब आपका इधर जो पेज आपको अभी दिखाई दे रहा है ये सारा ये जो पेज है आपको शायद नहीं दिखाई दे सकता है, ब्लैक हो सकता है सिक्योरिटी रीजन के लिए। इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट करके। ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जब आप ऐड बैंक अकाउंट करेंगे तब आपके पास इतना सारा बैंक अकाउंट आ जाएगा। अभी आपको आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड करना है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, ये बैंक अकाउंट ही ऐड नहीं होता है। क्या रीजन है आज आप लोगों को बता देता हूँ और इसका रीजन कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे वो भी बताऊंगा। पहले जो होता है SMS वेरिफिकेशन। मान लीजिए मैंने एक बैंक को सेंड किया, सेंड करने के बाद देखिए SMS वेरिफिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। SMS वेरिफिकेशन में क्या होता है, जिस बैंक अकाउंट पे आपका नंबर रजिस्टर करके रखें वो बैंक अकाउंट का नंबर ये नहीं है जिस नंबर से आपने गूगल पे बिजनेस खोल के रखें। कृपया करके वो मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद ऊपर में मोबाइल नंबर दिखा देते हैं। इसके बाद जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं सेम मोबाइल नंबर हो सकता है बट SMS पैक नहीं है। SMS पैक नहीं है तब जरूर आप SMS उसमें पैक डालिए, उसके बाद ये प्रोसेस करिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको वाईफाई से किसी के पास से डेटा उधार लेना है हॉटस्पॉट ऑन करके, दूसरा का हॉटस्पॉट ऑन करके आपको वाईफाई से डेटा उधार करके आपको ये लेना है। काफी सारा बार SMS वेरिफिकेशन के टाइम पे नेटवर्क स्लो हो जाते हैं, उसकी वजह से ये काम नहीं कर पाते हैं वेरिफिकेशन। तो उस टाइम में वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो रियलमी का फोन में ज्यादातर होता है। रियलमी, रेडमी इस तरफ का फोन में आते हैं कुछ कुछ मॉडल पे। जब आप SMS वेरिफिकेशन कर रहे हैं, SMS वेरिफिकेशन करने के टाइम पे ये जो घूमता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जब ये घूमता है ना, ये घूमने के टाइम पे डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपका गूगल पे बंद होके ऑटोमेटिक ये मैसेज पे आ जाते हैं। तो मैसेज में जो पॉपअप मैसेज ओपन हो जाते हैं, मैसेज सेंड किया गया है वो दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये देखिए इधर SMS फेल हो जाता है क्योंकि ये पॉपअप बंद होके, ये गूगल पे का पॉपअप बंद होके मैसेज का पॉपअप ओपन हो जा रहा है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब जिसके पास हुआ है तो वो कभी, मतलब जो जानते हैं शॉर्ट आउट कर लिया, बट ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जो कैसे शॉर्ट आउट करना है। इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर में सभी का पॉपअप डिस्प्ले रहते हैं, सभी का इस तरफ से पॉपअप डिस्प्ले कर लेना है। कुछ टाइम प्रेस करने के बाद ये पॉपअप करके ओपन हो जाते हैं, मैसेज पॉपअप करके ओपन हो जाएगा। ये स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा, नहीं तो स्प्लिट कर लीजिएगा। इधर क्लिक करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्प्लिट करने का ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ स्प्लिट हो जाएगा। ऊपर में आपका गूगल पे चलेगा, नीचे में आपका मैसेज चलेगा। तो दोनों एक साथ में स्क्रीन में है, दोनों को आपको पॉपअप मैसेज नहीं तो स्प्लिट कर लेना है। आपका इधर जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन से ही आपको मिलेगा। ये जो जितना भी सारा देख रहे हैं, इधर से आपको 3 डॉट मिलता है, 3 डॉट से आपको स्प्लिट मिल जाएगा। तो स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद आपको इधर देखिए सिम वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपको ये गूगल पे से आपको सिम वेरीफाई करना है। तो देखिए ये ओपन हो जाएगा, तब ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक साथ में खुला हुआ है ना, दोनों में काम चल रहा है, तब आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका जो सिम वेरीफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद सिम वेरीफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। अभी प्रॉब्लम है बैंक का बहुत सारा टाइम मोबाइल नंबर पे मैसेज आते हैं, बट SMS वेरिफिकेशन के लिए और दूसरा एक सिस्टम रहते हैं बैंक का, उसमें डालना चाहिए। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपको बैंक पे जाके देखना है। SBI के लिए तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, SMS आपका आएगा बट सिम वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको बैंक पे जाके कॉन्टेक्ट करना है जो SMS वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपका नंबर को अपडेट करना है, एक बार नंबर को अपडेट करिए, फॉर्म फिलअप करिए, अच्छे तरीके से नंबर को अपडेट करिए, बस आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ये प्रोसेस हो गया है। ये प्रोसेस होने के बाद आपका तब भी नहीं चलता है, बहुत सारा बैंक में क्या होता है, इंडियन बैंक में आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडियन बैंक पे आप मान लीजिए आपका अकाउंट है, उसके बाद आपका घर का और भी एक अकाउंट है, क्या किए हैं आपने, जो मोबाइल नंबर आप ऐड करके रखें दोनों अकाउंट में ऐड करके रखें। मान लीजिए आपका अकाउंट है, उसके बाद आपका पिताजी का अकाउंट है, दोनों अकाउंट पे आपका सेम एक ही मोबाइल नंबर ऐड है,
तब आप यूपीआई लिंक नहीं कर सकते हैं। एक अकाउंट ओनली, एक नंबर पे एक अकाउंट रख सकते हैं आपका खुद का, नहीं तो किसी का अकाउंट रखिए, एक नंबर पे एक ही अकाउंट रहेगा तब आप यूपीआई लिंक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम रहता है जिसके बदले में ये प्रॉब्लम जो ये जो अकाउंट है ये ऐड नहीं होता है। तो इस तरफ से ये जो प्रॉब्लम है मैं जितना भी सारा बताया, इस तरफ से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।